हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास वीवो का Y20 मॉडल है और इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो आज हम इसको बिना कंप्यूटर की मदद लिए रिमूव करके दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे डोंट कॉपी हम करेंगे और इसके बाद दोस्तों दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पिन मांग रहा है तो हम बैक कर लेंगे। और यहाँ पे वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे और हमारा टॉक बैक ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो इस पर हमें उल्टा एल बनाना है। देखिए, इधर से स्वाइप करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे हमारा वॉइस कमांड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बोलना है दोस्तों, ओपन गूगल असिस्टेंट। तो दोस्तों देखिए, हमारा गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कीबोर्ड में हमें OPEN लिखेंगे तो ओपन यूट्यूब आ जाएगा। इस पर डबल टैप करेंगे, यहाँ से हमारा यूट्यूब ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से हम दोनों बटन को प्रेस करके टॉक बैक ऑफ कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा टॉक बैक ऑफ हो गया। यहाँ से हम क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे और इसके बाद अबाउट में जाएंगे और इसके बाद देखिए यूट्यूब टर्म ऑफ पॉलिसी था, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एग्री करेंगे। इसके बाद हमारा वीवो का ब्राउज़र ओपन हो जाएगा दोस्तों और इसमें हमें सर्च करना है VNROM। तो हम VNROM सर्च करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे दे रहा है VNROM बाईपास। यहाँ पे हमें पहली लिंक जो है इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमारा सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, तो हम सेटिंग को ओपन करेंगे और अलाउ करेंगे। यहाँ पे हमारा सेटिंग ओपन हो जाएगा। और दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सिस्टम मैनेजमेंट में आएंगे और इसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो बैकअप रीसेट है। यहाँ पर दोस्तों हमें रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करेंगे और एक बार इसको रीसेट करेंगे। तो दोस्तों हमारा फ़ोन तब तक रीसेट हो रहा है, यहाँ पे कुछ देर तक समय लगेगा और इसके बाद हमारा फ़ोन रीसेट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर दोस्तों हम स्टेप आगे करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर एग्री करेंगे और यहाँ से हम फिर वाईफाई कनेक्ट करेंगे। तो हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करेंगे, फिर एक बार हम बैक करेंगे। दोस्तों फिर हम एक बार फिर वॉल्यूम अप और डाउन बटन को एक साथ प्रेस करेंगे और हमारा टॉक बैक ओपन होगा। तो एक बार और प्रेस कर लेते हैं, यहाँ से हमारा टॉक बैक ओपन हो गया दोस्तों। फिर हमें वही स्टेप करना था, करेंगे जो पहले किए थे। यहाँ से बोलेंगे ओपन गूगल असिस्टेंट। फिर दोस्तों देखिए, हमारा वॉइस कमांड ओपन हो गया। यहाँ से कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे और फिर हम OPEN लिखेंगे। तो पहले हम टॉक बैक ऑफ कर लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा यूट्यूब ओपन आ गया है। तो यहाँ से फिर यूट्यूब पे जाएंगे। फिर सेटिंग में जाएंगे, फिर अबाउट, फिर टर्म एंड सर्विस में जाएंगे। फिर यहाँ से फिर दोस्तों हम फिर VNROM सर्च करेंगे। देखिए हमारा ऊपर जो लिंक दे रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर वही ओपन करेंगे, पहली लिंक जो हमारी है। और दोस्तों यहाँ से हमें अब दूसरा स्टेप करना है, स्क्रीन स्मार्ट लॉक पे क्लिक करेंगे और अलाउ करेंगे और यहाँ से हम एक लॉक चूज करेंगे। तो हम पैटर्न लॉक चूज कर लेते हैं।
यहाँ दोस्तों हमारा सेकेंड चल रहा है, तो हम थोड़ा चल हो जाने दे रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। फिर देखिए दोस्तों, दोस्तों हम एक बार इसको स्क्रीन ऑफ करके देखते हैं कि हमारा लॉक लगा है या नहीं। तो दोस्तों देखिए हमारा लॉक लग चुका है। अब यहाँ से हमें पूरा बैक कर लेना है दोस्तों। यहाँ से हम बैक करेंगे और इसके बाद अब नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड मांग रहा था, यहाँ पे हमें डोंट कॉपी करना है, वहाँ पे अब हमारा पैटर्न लॉक देगा। तो हम जो पैटर्न लॉक डाले थे वही पैटर्न लॉक इसमें लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यही हमने डाला था और इसकी मदद से दोस्तों हमारा जो जीमेल है वो स्किप करने के लिए दे देगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जीमेल स्किप करने के लिए दे रहा है, तो हम जीमेल को स्किप कर लेते हैं और यहाँ से हमारा गूगल अकाउंट लॉक जो होता है FRP लॉक वो रिमूव हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल आसानी से। यहाँ पे हम स्किप करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे यूज नाउ पे क्लिक करेंगे और हमारा फ़ोन पूरा ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस ट्रिक से आप बिल्कुल आसानी से वीवो Y20 मॉडल का FRP लॉक बाईपास कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।